आपकी कितनी बातचीत हो पा रही है शहनाज से और क्या सिचुएशन है उनकी, इसके बारे में कुछ बताना? सी आई टेल यू व्हाट, स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट अ फैक्ट दैट वी लॉस्ट सिद्धार्थ. यू सी दिस स्टिल, इट्स नो इट इज़ शहनाज के साथ बात नहीं हुई क्योंकि आई थिंक ऐसे टाइम पे पीस में रहने देना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता वो अभी इस हालत में होंगी कि वो किसी का भी रिप्लाई कर पाएँ. और इस वक्त किसी से ये पूछना कि कैसी हो तुम, सबको पता है वो इस वक्त कैसी है, शी इज़ नॉट इन गुड फ्रेम राइट नाउ. बस ये है, वीडियो मैंने नहीं देखा कि फैंस ने क्या अपलोड किया. आई एम श्योर उसे और ज़्यादा इनक्रेज करने के लिए, उसकी हिम्मत के लिए कुछ डाला होगा. और मैं सिर्फ यही प्रे करूँगी कि जल्दी से ठीक हो और जल्दी से नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए, बिकॉज आई एम श्योर सिद्धार्थ उसको कहीं ना कहीं से देख रहा होगा और चाह रहा होगा दैट यू हैव टू गो फॉर इट एंड यू हैव टू डू व्हाट आई कुडंट अकम्प्लिश विद यू. तो अब उसके ऊपर और जिम्मेदारी आई है एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी दैट. शहनाज को लेकर पवित्रा पूनिया है दुखी. शहनाज के हाल को लेकर कहा कुछ ऐसा, हर बार सोशल मीडिया पर शहनाज गिल को लेकर उनके दोस्त उनकी तबीयत की खबर देते रहते हैं. जब से शहनाज ने सिद्धार्थ को खोया है तब से वो टूट कर बिखर गई हैं. बताया जाता है कि शहनाज पहले से कुछ हद तक ठीक तो हुई हैं, लेकिन वो अब भी सिद्धार्थ की ही यादों में डूबी हुई हैं. उनके दोस्तों का ये भी कहना है कि शहनाज उस हाल में नहीं है जो खुलकर बात कर सके. शहनाज जब भी सिद्धार्थ को याद करती हैं तो वो टूट जाती हैं और सिद्धार्थ को लेकर दुखी हो जाती हैं. बीते दिनों रुबीना दलैक और उनके पति अभिनव ने सिद्धार्थ के परिवार और शहनाज गिल से मुलाकात की थी, जिसके बाद अभिनव ने शहनाज और सिद्धार्थ के परिवार के हाल बताए थे. और अब मीडिया में सिद्धार्थ और शहनाज के दोस्त पवित्र पूनिया ने सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद शहनाज पर अपनी बात कही है. पवित्र पूनिया ने कहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला चाहते होंगे कि शहनाज अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आ जाए. वो कहती है कि इस तथ्य को पचा पाना अभी भी बहुत मुश्किल है कि हमने सिद्धार्थ को खो दिया है. मैंने शहनाज से बात नहीं की क्योंकि मुझे लगता है कि उसे शांति से रहने की ज़रूरत है. मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जवाब देने की स्थिति में होगी और उससे ये पूछने के लिए कि क्या वो ठीक है. हम सभी जानते हैं कि वो किस स्थिति में है और अभी अच्छे फ्रेम में नहीं है. पवित्र पूनिया ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि उनके फैंस ने कौन सा वीडियो ऑनलाइन अपलोड किया है. मुझे यकीन है कि ये उन्हें प्रेरित करने के लिए कुछ रहा होगा जो उन्हें और ताकत देगा. मैं बस यही दुआ करूंगी कि शहनाज अपने पैरों पर वापस आ जाए, क्योंकि मुझे यकीन है कि सिद्धार्थ कहीं ना कहीं ऊपर से देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि शहनाज अपनी सामान्य जीवन में वापस आ जाए, और हम इसे देखने का भी इंतज़ार कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि शहनाज गिल बेहतर होंगी और मजबूत होकर वापसी करेंगी. तो दोस्तों, आपका क्या कहना है शहनाज को लेकर वो हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ.